हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर सेवन, वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इसके पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो मतलब जो फीचर्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, किसी भी एनिमल की जो हैबिट्स होती हैं, उसके काम करने का तरीका जो होता है, वो हेल्प करता है किसी भी एनिमल को अडेप्ट करने में, मतलब एक्सेप्ट करने में कि वो जिस जगह पर रह रहा है उसको वो उसमें ढल जाना। मतलब किसी भी चीज़ में आपने उसको कर लिया, जैसे कि किसी भी एरिया में आप रह रहे हो, आपने खुद को ऐसे ढाल लिया है कि वहाँ पर ठंड पड़ेगी तो आपकी बॉडी उसे झेल जाएगी, गर्मी पड़ेगी तो आपकी बॉडी उसे झेल जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं अडेप्ट कर लेना। क्लाइमेट, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो वेदर जो होता है, वेदर क्या होता है? डेली की डेली जो हमारा मौसम, जो बोलते हैं ना कि आज मौसम बड़ा ठंडा है, आज बड़ा गर्म है, आज तो बारिश होने वाली है, तो ये होता है मौसम। इस मौसम को हम कहते हैं वेदर इंग्लिश में। अब जो वेदर कंडीशन होती है उसको जब हम लगभग 20 से 25 सालों तक लगातार मेजर करते जाते हैं और एक एवरेज ले लेते हैं कि भाई इन 2 महीने में तो बारिश पड़ेगी, इन 2 महीने में सर्दी पड़ेगी, इन 2 महीने में गर्मी पड़ेगी, तो उस इस पैटर्न को हम क्लाइमेट बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर, गर्मी है, सर्दी है, ह्यूमिडिटी, नमी कितनी है हवा में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, रेनफॉल, बारिश, विंड स्पीड, हवा कैसी चल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके एलिमेंट्स ऑफ वेदर बनाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में कितनी नमी है उसका जो मेजर होता है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, मतलब जैसे दोपहर के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दिन का। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर डे में जो सबसे कम टेम्परेचर होगा उस दिन का वो मिनिमम टेम्परेचर होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, ट्रॉपिकल हमारी जो अर्थ है ना वो काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास सिक्स की ज्योग्राफी में, बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर होता है अर्थ के, फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ में हम लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलती है। तो 10 डिग्री से लेकर 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, और इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया का मुंबई और जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये वाले जो बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर एरियाज है ना, जो कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे के पास पड़ते हैं, वो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। आसाम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब अब वर्ल्ड की बात आ गई, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का हम लोग को मिलता है। अब ट्रॉपिकल रीजन में तो मैंने आपको बताई दिया है, इसमें जनरली क्या होता है? हॉट और ह्यूमिड सा क्लाइमेट होता है, गर्मी होती है और हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ट्रॉपिकल रीजन में जो दिन और रात की जो लेंथ होती है वो लगभग पूरे लगभग लगभग सेम सी ही रहती है, और यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अब वेदर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लेते हैं फिर से। डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। मतलब एक दिन में कितना टेम्परेचर कितना है, हवा कैसी चल रही है, बारिश हो रही है, ये सारी की सारी, ह्यूमिडिटी कैसी है, हवा में नमी कैसी है, ये सारी के सारे जो कंडीशन होती है उनको हम वेदर बोलते हैं। अब देखते हैं, ये सारे हमने कीवर्ड्स पढ़ लिए, मतलब इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। कौन कौन से एलिमेंट वेदर डिटरमाइन करते हैं किसी प्लेस को? अभी देखा था हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये एलिमेंट्स हैं जो वेदर को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कब होगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे अकर्स इन आफ्टरनून, दोपहर के टाइम होती है सबसे ज़्यादा गर्मी एक दिन में, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और जो सुबह होती है ना उस सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है दिन का। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड
क्लाइमेट, अभी हमने पढ़ा था कि 20 से 25 साल, 25 से 30 साल का जो एरिया, वो सॉरी एरिया कह रही हूँ, जो हमारा वेदर होता है डेली डेली का, उसको मेजर करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, फिर किसी भी रीजन का क्लाइमेट हम पता करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल हॉट एंड ड्राई। क्योंकि किस जहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब गर्मी होना, तो ऐसे रीजन का जो क्लाइमेट है कैसा होगा? हॉट एंड ड्राई होगा। बारिश नहीं पड़ रही तो सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी रहेगी, हॉट रहेगा। टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का क्या मतलब होता है? देखिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जो टेम्परेचर कंडीशन है वो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है, नॉर्मल पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी गर्मी पड़ती है, नॉर्मल सी ठंड पड़ती है, नॉर्मल सी बारिश पड़ती है, तो कुछ एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पे, बहुत ही हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर किसी जगह पे हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें पोलर रीजन में मिलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, क्योंकि जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब -50 60 ऐसा टेम्परेचर चला जाता है पोलर रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में हद से ज़्यादा बारिश पड़ती है, रोज़ आपको बारिश पड़ती हुई मिलेगी, इसलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, हमें कुछ एरिया बताएंगे कि ऐसा ऐसा है उसका क्लाइमेट, और उसका नाम बताओ आप। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली हॉट और वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और मतलब ठीक ठीक बारिश पड़ जाती है, तो मॉडरेटली, मॉडरेट का मतलब होता है जो बीच वाली चीज़ होती है ना, मॉडरेट ठीक ठाक रहता है सब, तो मॉडरेटली हॉट एंड वेट। राजस्थान में क्या होता है? हॉट एंड ड्राई होता है, वैसे तो इसमें हॉट एंड वेट लिखा हुआ है, चलिए आप हॉट एंड वेट कह सकते हैं, वैसे तो हॉट एंड ड्राई होता है, बारिश कम पड़ती है राजस्थान में। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है, वेट है। विच ऑफ़ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट, इनमें से कौन से फ्रीक्वेंटली एकदम से चेंज होते हैं? तो हमने देखा था कि वेदर डेली के डेली चेंज होता है, क्लाइमेट तो एवरेज होता है, वो थोड़ी ना फ्रीक्वेंटली कोई चेंज होता है, तो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बहुत ही जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग इज़ अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। तो हमें बताना है कि अडेप्टेशन, हमने पढ़ा कि हम लोग रहना सीख जाते हैं किसी भी जगह पर, और वहाँ को मतलब अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, वो हमारा अडेप्टेशन हो जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा अडेप्टेशन, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल और इस टाइप से, कि क्या वहाँ की बॉडी कैसी होगी, कौन से रीजन की, इस टाइप से बताना है। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं किस रीजन में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा फ्रूट खाए जाएंगे। क्यों खाए जाएंगे? पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फल मिलेंगे तो फल खाए जाएंगे। वाइट फर, वाइट कलर की फर होती है, कहाँ होती है? पोलर रीजन में। पोलर बियर देखा होगा आपने, वाइट कलर की फर होती है उसकी, बड़े बड़े से होते हैं, क्यूट से। नीडेड टू माइग्रेट, मतलब माइग्रेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना, और फिर एक हिसाब से आपका घर कहीं और है। सपोज करिए आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप माइग्रेट कर जाते हैं यूएसए में, मतलब आपका ओरिजिनल का तो इंडिया ही है, मगर आप किसी रीज़न की वजह से आप यूएसए में माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसको कहेंगे हम माइग्रेशन। तो पोलर रीजन में माइग्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के टाइम तो मौसम ठीक रहता है, मगर जब वहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि कुछ जैसे बर्ड्स वगैरह हैं वो वहाँ पर रह नहीं पाती हैं, और कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से। लाउड वॉइस, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें कहाँ होती हैं? ट्रॉपिकल रीजन में होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, चिड़िया और बहुत बहुत वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें भी होती हैं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, मतलब पैरों में स्टिकी स्टिकी से चिपकने वाले पैड होते हैं जानवरों के, वो कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ के एडेप्टेशन ही ऐसी होती है, वहाँ पे बारिश पड़ती है, मतलब मिट्टी अजीब सी होती है, मतलब गीली गीली मिट्टी रहती है, तो इसलिए वहाँ पे स्टिकी पैड होते हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, फैट अगर एक अंडर स्किन होगा तो किस लिए होगा? ताकि ठंड से बचा जा सके, तो ये है पोलर रीजन में। वाइड एंड लार्ज पॉज, बड़े बड़े पंजे, पॉज होते हैं पंजे, तो ये भी पोलर रीजन का है। ब्राइट कलर्स, बहुत ज़्यादा चमकीले कलर्स कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल, ज़्यादा बारिश पड़ती है, ज़्यादा पेड़ उगते हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ उगते हैं, इसलिए बहुत सारे ब्राइट कलर्स के। और वहाँ के जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड ऑफ पैराडाइज होती है वहाँ पे, टॉकन होती है, बड़े सुंदर सुंदर बर्ड्स होती है, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, इसलिए ब्राइट कलर्स बोला गया है ट्रॉपिकल रीजन को। स्ट्रॉन्ग टेल्स, लंबी लंबी सी टेल्स होती हैं स्पेशली बंदरों की, क्योंकि बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ों की हाइट 60 मीटर तक पहुँच जाती है, तो इतने ऊँचे ऊँचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए बंदर और बाकी सारे जानवरों की जो पूँछें होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में होती है। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये भी ट्रॉपिकल रीजन में होती है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के जो वो होती हैं
जो पेड़ होते हैं उनकी जो बार्क होती है सख्त होती है ना, तो उसको खोदने के लिए, जैसे जो खोदने वुडपेकर वगैरह होते हैं ना, इनकी लॉन्ग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी बीक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है एनिमल्स की, ऐसा क्यों है? क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विद कंटिन्यूस रेन, दिस कंडीशन सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहाँ इसलिए होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड जो टेम्परेचर होता है ना, वो एनिमल्स को बड़ा पसंद होता है, और ऐसे ही जगह वो रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर बारिश बहुत होती है तो फल पेड़ वेड़ सब बड़े अच्छे से मिल जाते हैं, इसलिए वो आराम से वहाँ पर रह लेते हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कुछ एनिमल्स के बारे में कि वो इसी पर्टिकुलर जगह पर क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड सॉरी पर्टिकुलर सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन एज दे कैन अडेप्ट वेल टू दिस कंडीशन। मतलब वो इसलिए रहते हैं कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स क्योंकि वहाँ पे अडेप्ट कर चुके होते हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तो अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स, पोलर बियर्स जो है वो पोलर रीजन के लिए अडेप्ट कर लिया होता है उन्होंने, उनकी थिक स्किन होती है, मोटा फैट होता है उनपे, उनका जो फर होता है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और उनके पॉज जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, है ना? पोलर बियर्स के अभी हमने पढ़ा था, ये पूरा हमने देख लिया है कि जो उनका व्हाइट कलर का फर होता है वो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में छुप जाते हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और फिर सिमिलरली जो मंकी होते हैं, मंकी इज़ अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विद फीचर्स सच एज लॉन्ग टेल, लाउड वॉइस एक्सेट्रा। तो मंकी इस तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, तेज़ आवाज़ होती है उनकी, लंबी सी स्ट्रॉन्ग सी टेल होती है। अब नेक्स्ट है, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्टेड सेल्फ। तो एलिफेंट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उन्होंने वहाँ के रीजन को कैसे अडेप्ट कर लिया है, कैसे अपना लिया है? एलिफेंट हैज़ एडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। तो इसमें आंसर बताते हैं, इट यूजेस इट ट्रंक्स एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड। तो जो वहाँ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एलिफेंट्स होते हैं, उन्होंने अपनी जो सूंड होती है उनकी, उसको उन्होंने नोज की तरह डेवलप कर लिया होता है, और वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से सूंघ पाते हैं, और उसमें से खाना भी वो पिक कर लेते हैं, खाना भी तोड़ करके खा लेते हैं उससे। फिर नेक्स्ट है, इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, दीज कैन टियर द बार्क ऑफ द ट्री दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। और उसके टस्क होता है जो उसके दांत से होते हैं ना बाहर को निकले हुए, वो मॉडिफाई हो गए होते हैं, और उसकी हेल्प से वो जो ट्री है उसके बार्क, उसकी जो टहनियाँ और उसका जो ट्री का जो मेन धड़ा होता है उसमें ऊपर की तरफ बार्क लगा होता है ना, जो छीलरी होती है उसकी खाल सी एक होती है ट्री के ऊपर, उसको उतार के जो एलिफेंट है अपने दांतों की हेल्प से खा लेता है। फिर लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, ये भी वहाँ की ही एडेप्टेशन है। फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, अ कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन। एक कार्निवोर है, कार्निवोर क्या होते हैं, कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना? और उसकी एक कार्निवोर है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप है, उसकी बॉडी पे क्या है, धारियाँ, स्ट्रिप होता है हिंदी में धारियाँ, उसकी बॉडी पे धारियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो ये आप कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर होते हैं वहाँ पे। विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए जो पोलर बियर है उसने कौन से मतलब फीचर को अडेप्ट कर लिया है, किसको कर लिया है, वाइट फर, वाइट स्नो होती है, फैट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे काफ़ी मोटा सा फैट होता है, और इन सेंस ऑफ स्मेल, और उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इसकी हेल्प से, ताकि वो अपना शिकार पकड़ सके। अब नेक्स्ट है, तो इसका हो गया ए वाला, विच अडेप्टेशन बेस्ट डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन को मतलब ट्रॉपिकल रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट होता है और किस तरीके के क्लाइमेट में अडेप्ट कर लिया होता है जानवरों ने खुद को, तो हॉट और ह्यूमिड होता है ना वहाँ पे क्लाइमेट, हॉट गर्मी होती है और हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, तो उसको अडेप्ट कर लिया, इसका भी आंसर है ए। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।